नमस्कार, मैं हूं अशोक पांडे और आप देख रहे हैं निर्भय नगरी। निर्भय नगरी में आपका स्वागत है। दोस्तों, मुंब्रा शहर की चर्चित समाज सेविका मर्जिया सानू पठान ने मीरा रोड के नया नगर में हुए मामले को लेकर क्या कुछ कहा, आइए दिखाते हैं इस वीडियो के माध्यम से। हमको न्यूज़पेपर और सोशल मीडिया के जरिए काफ़ी चीज़ें देखने के लिए मिल रही है जो मीरा रोड में हो रही है। आपको देखने के लिए मिला होगा कि वहाँ पे दो दिन पहले कुछ कम्युनल राइट्स तो नहीं बोलेंगे बट कम्युनल फाइट हुई। उसके बाद कल वहाँ पर बुलडोज़र कार्रवाई की गई दुकानों पर, घरों पर, ये बोलकर कि वो इलीगल है। तो प्रायर नोटिस ना देते हो, क्योंकि देनी चाहिए, आप किसी भी जगह पर बुलडोज़र चला रहे हो, बिना प्रायर नोटिस दिए हुए वहाँ पर बुलडोज़र की कार्रवाई की गई। तो मेरा ये मैंने इसलिए रखा है कि मैं जानना चाहती हूँ कि क्या ये सरकार, जो कि एक अभी ठीक है, चलो वहाँ पर कम्युनल फाइट हुई, आपने उसके बदले में ये किया है। आप कह रहे हो कि हम लोग इलीगल चीज़ों को तोड़ रहे थे और इलीगल चीज़ों पर कार्रवाई, तो ऐसी तो बहुत सारी चीज़ें इलीगल की जा रही है और हो रही है। अगर हम लॉ इलीगल को ही देखने के लिए जाएंगे और क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है, अगर उसको देखने के लिए जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें गलत हो रही है। क्या उस पर ओवरनाइट कार्रवाई की जा रही है? क्या ऐसे तो नहीं, उसका जवाब तो सीधा सीधा नहीं ही है। तो वहाँ पर जो कम्युनल फाइट हुई, गाड़ी तोड़ी गई या जो भी, मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर रही। ऑफकोर्स उस पर जाँच पड़ताल कर जब जाँच पड़ताल के लिए डिपार्टमेंट को इतना टाइम लगता है, सालों साल लग जाते हैं जांच पड़ताल होने के लिए भाई, बड़े बड़े मैटर्स में। तो ये मैटर में जांच पड़ताल करके वो ऑफकोर्स एक्शन लें, किसने किया है, क्या किया है, किसने तोड़ा है, जांच पड़ताल करके लॉ के अबाइडेंस में भी चीज़ें हो सकती है। उसका जवाब ऐसे देना कि हम बुलडोज़र चला देंगे, आप चला देंगे बोला भी नहीं, या चला दी आपने, बुलडोज़र चला दी, लोगों के रोज़गार पर बात आ गई, उनके घरों पर बुलडोज़र चलाना, तो ये कहाँ का लॉ है या ये कहाँ का इंसाफ है, ये कहाँ का एक तरीका है? इसको तो डिक्टेटरशिप बोली जाएंगी ना, कि आप कुछ करेंगे हम फट से ऐसा एक्शन ले लेंगे विदाउट लॉ के अबाइडेंस में। कि कोई तरकीब होती है भाई, कोई तरीका होता है किसी भी चीज़ पे एक्शन या करने का। पहले आप उकसाओगे, उकसाने के बाद अब पूरा देश तो इतना सद्बुद्धि में नहीं रहता और इतना पेशेंस में नहीं रहता है कि वो रिएक्ट ना करें। रिएक्ट कर दिए उन्होंने, उनकी गलती, रिएक्ट किए उन्होंने अग्रेसिवली, विच इज़ रॉन्ग। बट महात्मा गांधी जी का ये कहना है ना कि आग के बदले आग नहीं है तो पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी। तो आप एक तरीके से लॉ के अबाइडेंस में रहकर भी किसी भी चीज़ पे कार्रवाई कर सकते हैं। आप दीजिए ना उनको पनिशमेंट। जैसे आप मुझे आपसे ये जो सरकार है हमारी, जो इतना फास्ट एक्शन ले लेती है, जब भी कोई चीज़ ऐसी धार्मिक हो तो उस पर बहुत फास्ट एक्शन ले लेती है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप बिल्किस बानो के जो गुनहगार हैं, जिसने बिल्किस बानो और उनके पूरे खानदान को तबाह बर्बाद कर दिया, क्या आपने उनके जो गुनहगार है, क्या आपने उनके घरों में बुलडोज़र चलाए, क्या आपने उनकी दुकानें तोड़ी, वहाँ पे जाके आपने उनके वहाँ पे बुलडोज़र चलाए या नहीं चलाए अभी तक के? क्योंकि जब वो रिहा हुए थे बीच में, तब आपके MLO ने उनको स्वागत किए थे, उन पर हार फूल चढ़ाए थे, जैसे कि उन्होंने पता नहीं कौन सा शहीदों वाला काम करके आए हैं या कौन सी इंडिपेंडेंस दिला के आए थे, वैसे उनका स्वागत किया गया था। जब सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा उस मैटर में, सुप्रीम कोर्ट ने आके बोली कि भाई इनको रिहाई नहीं दे सकते, ना इनको टाइम दे सकते, इनको फौरन वापस से अंदर किया जाए। सुप्रीम कोर्ट को हर चीज़ में इंटरवीन करना पड़ रहा है। आज की तारीख में ऐसा माहौल हो गया है कि हर चीज़ में सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ रहा है। तो मेरा आपसे ये मानना है कि पार्लियामेंट में दानिश जी को गालियाँ दी जा रही है, क्या उनके घर पे अभी तक के बुलडोज़र चलाए गए हैं, नहीं गए हैं क्या? मुझे बस ये जानना है कि जो महाराष्ट्र में, मुझे आपसे ये कहना है कि महाराष्ट्र में एक सभ्यता, एक क्लास है, आप वो क्लास को नीचे करने की कोशिश मत कीजिए। जैसे आपने हमारे मुल्क के दूसरे स्टेट्स में एक आपका गुंडा राज चलता है, वैसा महाराष्ट्र में चलना पॉसिबल नहीं है। तो आप उसको एनकरेज भी मत कीजिए, क्योंकि महाराष्ट्र में लोग बहुत सभ्यता से रहते हैं, बहुत क्लास से रहते हैं, बहुत डिग्निटी से रहते हैं, पढ़े लिखे एकदम एक उनके वर्किंग क्लास लोग रहते हैं, अपना काम करते हैं और अपना मिलजुल के सब लोग रहते हैं बहुत अच्छे से। तो महाराष्ट्र की सभ्यता को आप कमज़ोर करने की कोशिश मत कीजिए, वरना इसका बहुत ज़्यादा आउटरेज निकल सकता है। हम ये चाहते हैं कि आप जो वहाँ पर जो माहौल चल रहा है उसको कंट्रोल में लाइए, पुलिस के ज़रिए कंट्रोल में लाइए, नहीं तो ऐसे ही आप डिक्टेटरशिप करते रहेंगे। ज़ोर ज़बरदस्ती वाले मामला का, जो बुलडोज़र सरकार आपकी जो है, जो चल रही है, अगर आप ये चीज़ें करते रहेंगे तो हम इस चीज़ पर निषेध अपना ज़रूर जाहिर करेंगे। और हम चाहते हैं कि महाराष्ट्र के लोग, मुमरा कौसा के लोग इस पर अपना निषेध जाहिर करें, क्योंकि ये गुंडा राज तो नहीं चल सकता महाराष्ट्र में।
आपका कहने का मतलब है कि जैसे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ है और किसी भी तरह का कोई भी मसला ऐसे धार्मिक होता है तो वो सबसे पहले उनके पास एक बुलडोजर रखा रहता है, बुलडोजर को लेकर पहले कार्रवाई कर देते हैं और जो जितनी भी इलीगल चीज़ें हैं उसको छोड़ के उनका धार्मिक मुद्दा उनका ज़्यादा रहता है। वही माहौल यहाँ पर भी होने वाला है। देखिए मेरा आपसे यही कहना है कि ये एक जो रनिंग गवर्नमेंट है ये इनका मोटिव ही ऐसा है कि सबको एक दूसरे से भिड़ा दिया जाए, लड़ा दिया जाए और ये आराम से निकल जाए बीच में से, है ना। तो ये इनका मोटिव है एक दूसरे से कम्युनिटीज को भिड़ाना, इसमें कोई भी दोनों में से कम्युनिटी की गलती नहीं होती है। एक वो होता है ना बीच में, मतलब एक सिचुएशन क्रिएट कर दी जाती है, खुद से भी माहौल क्रिएट कर दिया जाता है। पता नहीं कि जेन्युइनली वो लोग हो भी कि नहीं जिन्होंने किया है, कि खुद के ही लोग हो आगे, वी ऑल्सो डोंट नो दैट। बट वो काम किसका है, वो एग्जामिन करना पुलिस का काम है कि जेन्युइन गूंस है, जेन्युइन लोग हैं कि खुद के स्क्रिप्टेड लोग हैं, मतलब भेजे हुए खुद के लोग हैं, है ना। एक माहौल क्रिएट करने के इलेक्शन के चलते, जो इलेक्शन आ रहे हैं उसके चलते आम जनता को निशाना बनाया जी और आपस में लड़ाई जी जी, ये तो हमेशा से होती है, क्योंकि पिछले कुछ सालों से आपको ये देखने के लिए मिल रहा है ना, ये सारी चीज़ें हो रही है। तो इसी के लिए हम यहाँ पे बैठे कि ये नहीं होनी चाहिए हर चीज़ में। सुप्रीम कोर्ट अभी ये सब मैटरों में हर चीज़ में हम सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन क्यों करना पड़ रहा है ना। हमारे स्टेट की अथॉरिटीज़ भी तो इतनी स्ट्रांग है ना कि वो इस चीज़ पर एक्शन ले सके। तो लॉ और पुलिस और कोर्ट को अपना काम करने पे, हर चीज़ में आप बुलडोजर ना घुसाएं, हर चीज़ में आप अपनी नाक ना घुसाएं। लॉ एक चीज़ है जिस पे हमको पूरा फेथ है, जैसे कि आपने देखा कि आई रियली वांट टू थैंक सुप्रीम कोर्ट जिन्होंने इतना फास्ट बिल्किस बानो जी के केस के लिए उनको, आरोपियों ने उनसे मांग भी करी, उन्होंने आरोपियों ने उनको बोला भी कि हमको टाइम दो, तो उन्होंने टाइम नहीं दिया, उन्होंने उनको दो दिन के अंदर बोला कि आप सरेंडर कर लीजिए। हमको लॉ पर, हमको हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन पर पूरा भरोसा है और हम उसके ही साथ चलेंगे।